हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रिंसेट कट लहंगा के ब्लाउज की कटिंग बताने वाली हूँ। पार्ट टू जो मिलेगी इसकी स्टिचिंग की होगी, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये पार्ट वन है। तो यहाँ पे हमने लहंगा का ब्लाउज लिया हुआ है। ये पाइपिंग जो प्रिंसेस कट में लगेगी उसके लिए हमने गोल्डन पाइपिंग, और ये हमने चेन लिया है। ये इसका लाइनिंग है यानी कि अस्तर, ये हमने कफ लिया है। तो इसका मेजरमेंट जान लेते हैं। तो चलिए, कटिंग करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हमें इसको खोलना है। ये देखिए, ये दिए हुए है फ्रंट का यानी कि आगे का, ये दिए हुए है बैक का यानी कि पीछे का। ये देखिए, ये पीछे का, और ये दिए हुए है इस टाइप से वर्क वाला बाजू। तो सबसे पहले हमें कटिंग कर लेना है ऐसे पीछे का। तो कोई भी मार्किंग करते हैं तो हम पीछे साइड से मार्क लगाते हैं। तो पहले वर्क को मिलाएंगे ऐसे। इस तरीके से हमें पीछे का मिलाना है। तो फ्रेंड्स, इसको हमने सही तरीके से बैठा लिया है। पीछे वाला है ये देखिए। अब इसका लंबाई हमें देखना है, तो वर्क के अकॉर्डिंग हमें इसका लंबाई निकालना है। तो इसमें जितना वर्क है उसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो देख लेते हैं, हाफ इंच हम नीचे छोड़ेंगे सिलाई के लिए, और यहाँ से, तो यहाँ से हम 17 इंच पे मार्क लगा लिए हैं, और यहाँ से हमें लगाना है ये 6.5 पे ये, और इस लाइनिंग को ऐसे सीधा कर लेंगे। उसके बाद हाफ इंच हमें ऐसे छोड़ते हुए ये, उसके बाद यहाँ से हमें 6 इंच लेना है आर्म होल के लिए, यहाँ से चेस्ट। तो चेस्ट आपका जितना भी है उतना आप रख सकते हैं। तो यहाँ 34 है, तो 34 का 1/4 लेना है 8.5। तो यहाँ पे हम ऐसे 8.5 पे ये मार्किंग लगाएंगे, और उसके बाद 2 से 2.5 इंच प्लस करेंगे तो 2.5 ले लेते हैं ये। उसके बाद यहाँ से इस लाइनिंग से ऐसे इस लाइनिंग को मिलाएंगे। उसके बाद इसमें हम ऐसे गोलाई देंगे। उसके बाद यहाँ हमें देखना है कमर, कमर है 32, तो यहाँ से हम 8 इंच देंगे रेडी वाली 8 इंच, और यहाँ से भी 2.5 इंच हम प्लस रखेंगे क्योंकि लहंगा का ब्लाउज है तो थोड़ा सा हमें ज़्यादा रखना होगा। उसके बाद ये फिटिंग मिलाएंगे, ये उसके बाद इससे फिटिंग इसको मिलाएंगे ये। अब करेंगे इसकी कटिंग। तो कटिंग करते हैं, नेक हम बाद में निकालेंगे। एक बार अच्छे से और देख लेते हैं, हमारा बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो ये बिल्कुल बराबर हो चुका है, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे क्योंकि अंदर थोड़ा सा ज़्यादा फोल्ड कर देंगे। ये यहाँ से ये कटिंग करेंगे। अब यहाँ से हमें इस टाइप से लेना है, और यहाँ से आर्म होल का, तो वो रेडी वाला है तो 1/2 इंच हमें इसको हमें खोलना है ऐसे। खोलने के बाद अब ये जैसे नेक का सेप है, बस 1/2 इंच छोड़ते हुए कटिंग कर देना है। फिर इधर से 1/2 इंच छोड़ते हुए ये, तो ये हो गया पीछे वाला। अब आगे वाले की कटिंग करेंगे। पल्ला लेते हैं, इसको भी हमें बीच से बैठाना होगा। इसी टाइप से इसको भी बैठा लेते हैं बीचों बीच। ऐसे
उसके बाद हमें इस वाले पल्ले को इसके ऊपर डालेंगे। इससे हम बढ़ा के कटिंग करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि इसमें प्रिंसेस कट कटिंग होती है। इसी को रख लेते हैं ऐसे, और इससे बढ़ा देंगे ऊपर, इतना ही रहने देना है ऐसे, ये ऊपर से ऐसे। अब करते हैं कटिंग, इसको मिलाते हुए ऐसे, बिल्कुल बराबर, आर्म होल सेम इतना ही। सिर्फ इसमें हमें इतना बढ़ाना है, क्योंकि इसमें प्रिंसेस कट कटिंग करनी होती है। ये देखिए इस टाइप से। अब इसको हटा देंगे। इसको हटाने के बाद नीचे का इतना हम इस टाइप से रखेंगे। अब इसमें हमें करना है प्रिंसेस कट की कटिंग, तो यहाँ पे मार्किंग ऐसे लेना है ये, और उसके बाद इसमें दिया हुआ है यहाँ से इसको इस किनारे से मिलाना है ऐसे। ये देखिए इस तरीके से मिलाते हुए इसकी कटिंग करनी है, प्रिंसेस कट की हाफ इंच ऐसे छोड़ते हुए। ये तो ये हमने प्रिंसेस कट की भी कटिंग कर लिया। अब हमें करना है नेक की कटिंग, तो इसको हम खोल देंगे ऐसे। खोलने के बाद इसको जैसे इसमें नेक की कटिंग है सेम उसी तरह हमें करनी है, हाफ हाफ ही छोड़ते हुए ऐसे लेना है। ये देखिए ऐसे, फिर इधर से ये लेना है ऐसे, ये हाँ। ये प्रिंसेस कट इधर हो गई, इधर की एक है और एक इधर की है। अब पहले स्लीव्स की कटिंग करते हैं, यानी कि बाजू की। तो ये वाला फैब्रिक लेना है ये, और जैसे बाजू है बस वैसे हमें कटिंग करना है। तो पहले हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा देना है कट करके। हमने नीचे से हटा दिया, अब यहाँ से एक एक करके कट करेंगे। अब इसको हमें ऐसे मिलाना है ऐसे वर्क से। अब इसका लंबाई जितना है उतना रखना है, तो बाजू की लंबाई हमें देख लेने हैं कितना इंच का है, क्योंकि वर्क के ही इतना रखना है। तो यहाँ से मार्क लगा देंगे ऐसे। उसके बाद इसका फिटिंग देखेंगे, तो फिटिंग है 6.5 इंच, तो ये फिटिंग, और 2 से 2.5 इंच लूजिंग। तो यहाँ से ये मिलाना है, फिर यहाँ से ये मिलाना है ऐसे, इस तरीके से ऐसे। फिर इधर से ये एक बाजू ये हो गया। अब इसी तरह से दूसरा बाजू करेंगे कटिंग। दोनों बाजू हमने कटिंग कर लिया है। अब इस आगे के साइड हाफ हाफ इंच ऐसे गहराई में कटिंग कर लेना है। इस तरीके से हाफ हाफ इंच दोनों में कटिंग करना है। फिर इधर से भी ये देखिए, इधर से भी हमें हाफ हाफ इंच कटिंग करके हटा देना है आर्म होल के सेफ में। एक को ही कटिंग करना है ऐसे। दोनों में हो गई कटिंग। अब इसी को रखते हुए लाइनिंग की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ हमने लाइनिंग लिया है सेम, इसी को रखते हुए पहले कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने सबको रखते हुए लाइनिंग की कटिंग सेम टू सेम कर ली है। देखिए यहाँ हमने लाइनिंग लिया है, ये हमने मेन फैब्रिक लिया है लहंगा का मेन वाला। देखिए इस तरीके से सबके अंदर हमने लाइनिंग डाला हुआ है, लाइनिंग है इसके अंदर। ये देखिए, ये पीछे वाला का लाइनिंग है, ये आगे वाला का लाइनिंग है। ये मैं स्लीव्स का लाइनिंग दिखा देती हूँ, यानी कि बाजू का अस्तर दोनों का अलग अलग, एक इधर जाएगा बाजू इसका लाइनिंग, फिर दोनों में मैं लाइनिंग सेट कर लेती हूँ। तो इस तरीके से आप इजीली घर में बना सकते हैं। बहुत इजी तरीके से मैंने कटिंग करना बताया है, ताकि बिगनर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, घर में भी इस टाइप से लहंगा का ब्लाउज बना सकते हैं। कब सेट करना मैं स्टिचिंग में बताऊंगी कि कब हम कैसे सेट करते हैं किसी भी लहंगा की ब्लाउज की
ये देखिए, तो कफ हम यहाँ पे सेट करेंगे तो वो मैं आपको स्टिचिंग में बताऊंगी, और इसमें स्टिचिंग में पाइपिंग लगाना बताएंगे कि इसमें साइड में पाइपिंग कैसे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की ये प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग पसंद आई हो तो कीजिएगा एक वीडियो को लाइक, चैनल पे पहली बार है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, कुछ पूछना है तो नीचे कीजिएगा कॉमेंट। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कटिंग स्टिचिंग के साथ। ये जब तक इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी, सिलाई का मैं सिलाई कैसे करूंगी पार्ट 2 होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं, जब तक के लिए फिर से बाय बाय।